परिचय। हेलो बच्चों, हम चिड़ियाघर में हैं। यहां बहुत सारे जानवर हैं। बड़ा सा मोटा हाथी, लंबी गर्दन और चित्तीदार खाल वाला जिराफ, बड़ा सा भूरा भालू। जरा इन्हें फिर से देखो, इनमें से सबसे लंबा कौन है? हाँ, सही कहा, सबसे लंबा है जिराफ। आज हम चीजों की तुलना करना सीखेंगे। आओ सीखें चीजों की तुलना करना। बड़ा, छोटा, पतला, मोटा, भारी और हल्का जैसे शब्दों को चीजों के साथ जोड़ना। छोटा या बड़ा, हम यहां दो बॉक्स देख रहे हैं, लेकिन ये अलग अलग आकार के हैं। जब दो चीजें समान आकार की नहीं होती तो हम उनकी तुलना करते हैं। जो चीज कम बड़ी होती है उसके लिए छोटा शब्द, और जो उससे बड़ी होती है उसके लिए बड़ा शब्द इस्तेमाल करते हैं। बाल्टी ए बाल्टी बी से छोटी है। सबसे बड़ा या सबसे छोटा। याद रहे, तोता लाल मिर्चें खाता है। मिर्चें छोटी भी होती हैं और बड़ी भी होती हैं। इन तीन मिर्चों में से पहली सबसे लंबी है और तीसरी सबसे छोटी है। पतला या मोटा। कुछ चीजें पतली होती हैं और कुछ मोटी होती हैं। बाईं तरफ दी गई किताब पतली है, दाईं तरफ दी गई किताब मोटी है। सबसे मोटा या सबसे पतला। तीन से ज्यादा चीजों की मोटाई की तुलना करने के लिए हम सबसे मोटे और सबसे पतले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। पहली छड़ी सबसे मोटी है, तीसरी छड़ी सबसे पतली है। भारी या हल्का। जिन चीजों को उठाना मुश्किल होता है वो भारी होती हैं, और जिन चीजों को आसानी से उठाया जा सकता है वो हल्की होती हैं। बाईं तरफ वाला सिलेंडर भारी है और दाईं तरफ वाला सिलेंडर हल्का है। भारी या हल्का। जिन चीजों को उठाना मुश्किल होता है वो भारी होती हैं, और जो चीजें आसानी से उठाई जा सकती हैं वो हल्की होती हैं। बाईं तरफ वाला पत्थर भारी है और दाईं तरफ वाला पत्थर हल्का है। लंबा या छोटा। कुछ पेड़ लंबे और कुछ छोटे होते हैं। जिराफ लंबा होता है, चूहा छोटा होता है। चीजों को मापना। चीजों को अलग अलग तरीके से मापा जा सकता है। आप उन्हें अपने हाथों की चौड़ाई के हिसाब से माप सकते हैं। आप इसके लिए अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप तो मापने के लिए अपने कदमों का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप दूरी मापने के लिए अपने पैरों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लंबाई को मापने के लिए इन सब चीजों का प्रयोग किया जा सकता है। आप सब भी आज ही से अनफोल्ड यू को सब्सक्राइब करें और एनिमेटेड बेसिक वीडियोस, एनिमेटेड क्वेश्चन वीडियोस, होमवर्क हेल्प, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, सिंबल्स, ग्लॉसरी, प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर से पढ़ाई कर बेहतरीन अंकों से पास हों।